नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। आज अपन बात करेंगे साथियों पाकिस्तान से रिलेटेड, क्योंकि पाकिस्तान का ध्यान रखना अपनी जिम्मेदारी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों को नॉलेज होना जरूरी है कि भाई कौन से देश में क्या स्थिति चल रही है। मैं लगभग कंट्रियों के बना चुका हूँ, बना रहा हूँ, धीरे धीरे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई स्थिति क्या है। तो पाकिस्तान में अगर बात करें तो साथियों 8000 के करीब अभी तक वहाँ पर संक्रमित पाए गए हैं कोरोना से रिलेटेड, उसमें से 150 के करीब अभी तक डेथ हुई है, 1800 के करीब अभी तक रिकवर हुए हैं कोरोना पॉजिटिव से। आज की अगर न्यूज़ देखी जाए, आज अखबार में एक दैनिक भास्कर में न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान में लॉकडाउन में छूट देते ही 23 लोगों की डेथ हो गई कोरोना से। जी हाँ साथियों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यार एक सोचने की बात है कि आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है। यानी स्थिति है कि मैंने जहाँ तक सर्वे किया, मैंने जहाँ तक नॉलेज लिया है, पाकिस्तान का टारगेट यह है कि भाई इंडिया की जो आंकड़े हैं उनसे आधे रखे जाएं, और पाकिस्तान चल रहा है चाइना की तर्ज पे। अब चाइना पे इतना ज़बरदस्त जोर पड़ा है कि तब जाके उसने वुहान में आज कोरोना वहाँ ख़त्म हो गया, दुनिया काम पर लूट गई, तब बोलते हैं कि हमारे 1200-1300 और निकले पॉजिटिव, यानी 3500 के करीब टोटल मरीज बताएं कि मरे हैं, और आज और करके 5000 के करीब किया क्योंकि दबाव पड़ गया ना। और देशों में तो लाखों के करीब जनसंख्या पहुंच रही है मरने के करीब, 50-60 हज़ार लोग मर गए, 30,000 मर गए, 15,000-20,000 मर गए, यहाँ पे 3,500 चाइना में, जो चाइना जनक है कोरोना का। तो मतलब चाइना ने भी आंकड़े छुपाए थे, जो धीरे धीरे अभी उस पर दबाव पड़ा है तो उसने निकाला है, उसको बढ़ा के 50% कर दिया आंकड़े। ठीक है, और चाइना, अब पाकिस्तान की बात करें तो 24 घंटे में लॉकडाउन खुलते ही 23 लोग मौत होना तो कोई छोटी बात नहीं है, और अब तक मात्र 150 के करीब मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े छुपाने की पाकिस्तानी गवर्नमेंट साजिश कर रही है, लेकिन भाई ये इंटरनेशनल मीडिया है, हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, ऊपर सेटेलाइट लगी पड़ी है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, वो भी उसमें भी दिखाई देता है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी आने वाली है कि आपको पता भाई मुस्लिम बाहुल्य देश है, अभी रमजान का महीना, रमजान अभी आने वाला है, तो मौलवी ने आदेश दे दिया कि भाई मस्जिदों में आके नमाज पढ़ें। तो आपको क्या लगता है कोरोना फिर खत्म हो जाएगा? कोरोना तो बढ़ेगा, लाशों के भी ढेर लग जाएंगे अगर वहां पे गवर्नमेंट ने उन पे कंट्रोल नहीं किया, काबू नहीं किया लॉकडाउन के करके, तो कितनी बड़ी तबाही आने वाली है वो तो उनको सोचने की जरूरत पड़ेगी। यूएसए ने घोषणा की है पाकिस्तान में $8.5 लाख देने की, कोरोना से महामारी से लड़ने के लिए पाकिस्तान को फंड दिया जाएगा, जिससे वो अपनी इस कोरोना महामारी पे लोगों के हेल्प के लिए, बचाव के लिए हेल्प कर सके, कोरोना पे काबू पा सके। यूएसए यानी अमेरिका, जिसको अपन आप बोल सकते हैं, उनकी तरफ से फंड दिया जाएगा पाकिस्तान को $8.5 मिलियन का। अभी एक न्यूज़ ट्रेंड कर रहा है, आप लोगों ने पता किया होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ आंकड़े छुपाए थे पिछले, मैं बता दूँ, 49 दिनों में पाकिस्तान में 30 कब्रिस्तानों में लगभग 3000 प्लस लोगों को दफनाया गया है, जबकि सरकार उनका जवाब नहीं दे रही कि वो कौन है। बोलते हैं कि वो दम्मे की बीमारी थी, उनको वो बीमारी थी, यानी उनको वो संक्रमित थे कोरोना की वजह से मरे हैं, लेकिन गवर्नमेंट आंकड़ा छुपाने के लिए उन 3000 प्लस मौतों को एक तरफ रख दिए, यानी शो नहीं कर रही है। जबकि पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, दुनिया जानती है, पूरी सिस्टम है, लेकिन गवर्नमेंट उनको छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि अगर आंकड़ा छुपाने का क्या मतलब होता है। आंकड़ा छुपाने का मतलब खुद को नुकसान होना आने वाले टाइम में। चीन ने आंकड़ा छुपाया, अभी उनके ऊपर देखो क्या हालात है, क्यों उनको बताने पड़े हमारे 1300 निकले हैं। और यार जब अमेरिका जैसे देशों में हज़ारों की तादाद में 50,000 मौत हो जाती हैं, इटली, स्पेन, कितनी बड़ी बड़ी कंट्रियां जिनके पास सब कुछ है, उनकी तो हज़ारों में डेथ हो रही हैं, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया से भी 10, मतलब अगर इंडिया के पास 100% है ना, तो इंडिया का 10वां हिस्सा भी नहीं है पाकिस्तान में, चाहे मेडिकल के रिलेटेड मान लीजिए, या फिर फंड से रिलेटेड मान लीजिए, टेक्निकल साधन से रिलेटेड मान लीजिए, फिर भी वहाँ पर डेथ रेशियो देखिए कितना आ रहा है, इंडिया से आधा। ये आंकड़े नहीं छुपाए जा रहे हैं तो और क्या हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में सच्चाई का सामना हो ही जाएगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सामना करना पड़ेगा इसका। बस यही जानकारी मैंने आप लोगों को तो देनी थी साथियों, कि कुछ चीज़ें हैं ना हजम नहीं होती हैं, आंकड़े हैं ना वो बताते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट आंकड़े छुपाने में लगी हुई है। लेकिन कोई नहीं, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, पाकिस्तानी भाई भी इस वीडियो को देखते होंगे, लेकिन भाई सच्चाई यही है। अब गवर्नमेंट छुपाए या नहीं छुपाए वो उनकी मर्जी है, क्योंकि जब बड़े बड़ी कंट्रियाँ उनमें हज़ारों में मौत हो रही हैं, तो भाई पाकिस्तान वो तो उनके सामने जीरो है, कुछ है ही नहीं, फिर भी यहाँ पे मौतें नहीं हो रही हैं,
सोचने की बात है ना ये। तो ये आंकड़े मोते हो रही हैं लेकिन आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, सच्चाई का सामना नहीं किया जा रहा है। बस ये इन्फॉर्मेशन दी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको विदेश से रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ पे रोज मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।